गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी गेट सी चैनल। वेलकम टू क्लासेस ऑफ गेट ESE 2021 के लिए। और आप लोगों से आज अपन लोग नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस में, और आज आप लोगों के साथ में नया टॉपिक भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने बात आप लोगों से जो लास्ट क्लास हुई थी अपनी सैटरडे को, वो क्लास अपनी मैं कह सकता हूँ प्लेन टेबल सर्वेइंग पे अपन उस क्लास को कर रहे थे। कुछ बच्चों को मैंने देखा था कि वहां पर कुछ डाउट्स आए थे प्लेन टेबल के जो अपन मेथड डिस्कस कर रहे थे उनमें। तो मैं आज की अपनी क्लास रिवीजन से ही स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ, प्लेन टेबल सर्वेइंग की रिवीजन करते हुए कि मेथड कौन कौन से अपन लोग फॉलो करते हैं। रिवीजन जो है आप लोगों का, रिवीजन के साथ साथ कुछ एक और कुछ चीजें भी मैं उसमें एड ऑन करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। दूसरा, कल आप लोगों के साथ गपशप सेशन था जो आप लोगों ने, मतलब मैं कह सकता हूँ सारे बच्चों ने आके उसको काफी मैं कह सकता हूँ यूजफुल बनाया, और काफी सारे आई होप आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे उसमें। तो कुछ आप लोगों को बता दूं, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना प्लेन टेबल की सेकंड क्लास रहेगी, एरिया एंड वॉल्यूम अपन लोगों का जो नया टॉपिक है आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने देखा था और कुछ बच्चों से मैंने देखा, जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनको इस चैनल के शेड्यूल जो है उसमें कई बार दिक्कत आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से डेली मैं अपनी क्लास में आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर करता हूँ, जिसमें आप लोग ध्यान में रखें कि इंग्लिश मीडियम में जो आप लोगों का बैचेज हैं गेट और ESE के लिए, वो आप लोगों का सुबह 7 से 10:30 चल रहा है, और जो आप लोगों का हिंदी मीडियम में बैच है वो आप लोगों को शाम को 7 से 10 तक आप लोगों की क्लासेस रहती हैं। जो हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं और जो इंग्लिश में चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में भी कवर होंगे, हिंदी में भी आप लोगों के गेट के सारे सब्जेक्ट्स अपन लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी प्लस का जो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी हम लोगों ने गेट और ESE का कोर्स को लॉन्च कर चुके हैं। और अनअकैडमी प्लस के आप लोगों को क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से आप लोग उसमें अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, ये कल के सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो चलिए आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करेंगे अपन लोग मेथड से, जहां पर आप लोगों को कुछ डाउट्स आए थे और उनमें कुछ नई चीजें भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को, दैट इज मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, ठीक है। हर एक मेथड को अपन उसका जो फीचर्स है उसको जानते हैं। आप लोगों के पास मेथड जो होते हैं, चार मेथड्स आप लोगों के पास आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। पहला जो मेथड होता है आप लोगों का, दैट इज रेडिएशन मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड है आप लोगों के पास, दैट इज इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड। नेक्स्ट वन इज बैकसाइटिंग मेथड, आप लोग इसको कह सकते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहां पर ये वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज बैकसाइटिंग मेथड। और जो इसका कॉमनली मैं कह दूं रिनोन नेम है, दैट इज ट्रैवर्स मेथड, या फिर ट्रैवर्सिंग अपन इसको कहते हैं, ट्रैवर्स मेथड। तो यहां पर भी कुछ बच्चों को डाउट था जो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे कि डाउट्स कैसे क्या आया है उन बच्चों को, और उसको क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है आप लोगों का, दैट इज रीसेक्शन मेथड, ठीक है। तो अपन लोगों को यहां पर देखना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन मेथड्स में डिफरेंसेस आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इन मेथड्स के लिए, अगर मैं रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड की आप लोगों से बात करूं, तो ये जो मेथड यूज होते हैं, दीज आर यूज फॉर locating, these are used for locating the position of object on the drawing sheet. आप लोगों की जो plane table में आप लोग drawing sheet use में ले रहे हैं, या फिर कोई map आप लोग use में ले रहे हैं, उस पर object को show करने के लिए इन दोनों methods का use किया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं आप लोगों से बैक साइड यानी ट्रैवर्स मेथड की, या फिर बात करूं आप लोगों से रीसेक्शन मेथड की, इन दोनों जो मेथड्स का मोस्टली यूज है वो है आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स की पोजीशन निकालना, ठीक है, यानी जहां पर आप लोग अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं
These methods are used for locating the position of instrument station on drawing sheet. दोनों में क्या फर्क निकल कर आ रहा है? जो ऊपर वाले आप लोगों के दो मेथड्स हैं, रेडिएशन और इंटरसेक्शन, वो मेथड आप लोगों के क्या हैं कि वहां पर मैं प्लेन टेबल को रखकर आसपास के जो मेरा एरिया है जिसमें मैं सर्वे करना चाहता हूं, वहां पर कोई ट्री आ रहा है, कोई बिल्डिंग आ रही है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उनको मुझे लोकेट करना है मेरी ड्राइंग पर. लेकिन जो बैक साइटिंग, जो ट्रैवर्स मेथड है और जो रिसेक्शन मेथड है, वो मेथड काम आते हैं कि जहां जहां पर आप प्लेन टेबल रख रहे हो, जिन जिन पॉइंटों पे मैं प्लेन टेबल रख रहा हूं, वो मेरा कहलाएंगे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. उन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को जहां पर मैंने टेबल रखी है, उस पॉइंट को मेरी ड्राइंग शीट पर मार्क करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड यूज में होते हैं, वो होते हैं ट्रैवर्स मेथड और रिसेक्शन मेथड. ठीक है, तो अपन एक एक मेथड यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें अपन किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास मेथड है, दैट इज रेडिएशन मेथड. रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एरिया है, ठीक है, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन कर रखे हैं. दिस इज एन एरिया. अगर मैं पॉइंट्स को यहां पे नाम दे देता हूं, दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट, सी यहां पर मार्क कर देते हैं, सी डी एंड ई पॉइंट. ये मेरा एरिया है जिसको मुझे सर्वे करना है मेरा प्लेन टेबल सर्वेइंग की मदद से. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक ऐसे पॉइंट पर, मेरी टेबल पर ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैं उसको एस्टेब्लिश करूंगा, यानी मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसी जगह पर होगा जहां से जितने भी पॉइंट्स हैं उस एरिया के, मैं उनको इजीली साइट कर पाऊं. तो मैं यहां पर पॉइंट आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं, जिस पॉइंट पर आप लोगों ने टेबल को सेटअप किया है, दैट इज अ पॉइंट पी. ठीक है, कौन सा पॉइंट है वो आप लोगों के पास? पॉइंट पी. तो यहां पर अपन इसका क्रक्स पॉइंट लिख लेते हैं, द पॉइंट पी इज सेटअप, ठीक है, सच दैट ऑल द अदर पॉइंट्स, और आई कैन से बेटर स्टेशंस, ठीक है, स्टेशंस कैन बी साइट इजीली. ठीक है, जहां से मेरे बाकी सारे स्टेशंस को मैं इजीली साइट कर पाऊं, वो ऐसे पॉइंट पर मैं अपनी प्लेन टेबल को क्या करूंगा, वहां पर जाकर रख दूंगा. ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे. उसके बाद मैंने प्लेन टेबल जब मैंने वहां पर सेटअप कर दी है, उसके बाद इस पी पॉइंट से मैं ए पॉइंट को मान लीजिए साइट करता हूं. ठीक है, तो ये मैंने ए पॉइंट से इसको साइट कर दिया, ये मैंने आपका ई पॉइंट से इसको साइट कर दिया, ये मैंने इसको डी पॉइंट से साइट कर लिया, ये मैंने इसको सी पॉइंट से कर लिया, और ये मैंने इसको बी पॉइंट से साइट कर लिया. तो यहां पर जो पॉइंट है, दैट इज वी विल साइट स्टेशंस ए बी सी डी एंड ई विद द हेल्प ऑफ एलिडेट. ठीक है, एलिडेट की मदद से मैं इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लूंगा, आई कैन से मैं इनको मार्क कर लूंगा. ठीक है, यानी साइट कर लूंगा, और इनको मैंने अपनी ड्राइंग शीट पर मार्क कर लिया है. उसके बाद आप लोग क्या करेंगे,
कुछ स्केल डिसाइड करके, जैसे कि अगर मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर मेजरमेंट में अपन लोगों ने स्केल्स पढ़े थे, आप लोगों को याद है, ठीक है। तो स्केल मैं कुछ डिसाइड कर लूंगा और जो मेरे डिस्टेंसेस हैं उनको मैं कैलकुलेट करूंगा, यानी वी विल कैलकुलेट डिस्टेंसेस पी सी पी डी पी ई पी ए एंड पी बी विद द हेल्प ऑफ किससे आप लोग लीनियर मेजरमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है लीनियर मेजरमेंट अपन किस किस से कर सकते हैं, आप लोग चेन से कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग टेप से कर सकते हैं, ठीक है, और आइदर वी कैन यूज टैक्योमीटर, ठीक है। तो टैक्योमीटर या किसी की मदद से आप लोग क्या करेंगे, उसकी ये जो डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट की है डॉटेड लाइन से, आप उन डिस्टेंसेज को वहां पर मेजर कर लेंगे, ठीक है। बात करें अपन लोग कि अपन लोग चेन टेप टैक्योमीटर में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन ज्यादा यूज करेंगे, तो यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर प्रेफरेंस देंगे टैक्योमीटर को। टैक्योमीटर को प्रेफरेंस इस वजह से दी जा रही है क्योंकि जब भी मेरे सर्वे में डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, अंडुलेशन ग्राउंड्स होते हैं, तो वहां पर जो मेरे को प्रिसाइज वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, वो टैक्योमीटर की मदद से मिलती है। तो आई कैन से कि जो मुझे इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज करना है वो मुझे कौन सा करना है, टैक्योमीटर यूज करना है। फिर अपन लोग इस बी पॉइंट को कुछ स्केल पर कन्वर्ट करके, यहां पर मैं पॉइंट मार्क कर लूंगा मेरा बी, ये मेरा हो जाएगा ए, यहां पर मैं मार्क कर लूंगा ई डी एंड सी, और इन पॉइंट्स को भी मैं आपस में मिला दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेडिएशन मेथड की मदद से मेरा जो प्लेन टेबल पे ड्राइंग शीट थी उस पर मैंने पूरा का पूरा एरिया ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इनको अगर मैं स्मॉल से शो कर देता हूं, दिस इज स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल डी बी एंड सी, तो आई कैन से ए बी सी डी स्मॉल एंड ई विल बी located with respect to some scale, आप लोगों को स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑन ड्राइंग शीट। तो इस तरीके से रेडिएशन मेथड को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी सर्वे एरिया को मैं लोकेट करा सकता हूं अपनी ड्राइंग शीट पर, ठीक है। तो यहां पर अपन लोगों ने फर्स्ट मेथड की बात करी। दूसरे मेथड पर अपन चलते हैं और बात करते हैं अब अपन लोग इंटरसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड इज इंटरसेक्शन मेथड। बात करें कि इंटरसेक्शन मेथड आप लोगों का किस केस में यूज होता है, जो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। सेकंड इज इंटरसेक्शन मेथड। इस मेथड के लिए मैं कहना चाहूंगा, इस मेथड को मोस्टली उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पर आप लोगों के जो स्टेशंस होते हैं वो इनएक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। आई कैन से दिस इज यूज्ड व्हेन आर पॉइंट्स और वी कैन से स्टेशंस आर inaccessible, ठीक है। स्टेशंस जो होते हैं आप लोगों के वो क्या होंगे, inaccessible होते हैं, या फिर आई कैन से ऑब्स्टिकल्स आर प्रेजेंट। ऐसे केस में मैं इंटरसेक्शन मेथड का यूज करता हूं। तो समझते हैं कि किस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं इसको। तो आप लोग मान के चलें कि मैं तीन पॉइंट आप लोगों के पास कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज बी
एंड दिस वन इज सी। और मैं कह दूं आप लोगों से कि यहां पर कुछ इस तरीके की आप लोगों की एक कोई पॉन्ड है, ठीक है, जो आप पार करके नहीं जा सकते हैं, कोई आपको डिप्रेशन मिल रहा है, कोई वैली मिल रही है, कोई खाई आप लोगों को मिल रही है जहां से आप लोग इस चीज को पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं वैली का, कि मान लीजिए कि यहां पर एक वैली आ चुकी है और मैं कहां पर हूं, मैं मेरे पास एक दो स्टेशन हैं, एक है डी और दूसरा है ई, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा कि ये जो डी और ई है, ठीक है, स्टेशन डी एंड ई आर नोन पॉइंट्स, ठीक है, ये अपने नोन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। आई कैन से ये पॉइंट्स मेरे एसेसिबल हैं, ठीक है, एक्सेसिबल हैं आप लोगों के, आप लोग यहां तक यानी पहुंच सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स आर एक्सेसिबल एंड वी कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन दैम, वी कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि आप लोगों को इस डी और ई के बीच में जो डिफरेंस, जो डिस्टेंस का है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अभी मान के चलता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आप लोगों का कह दूं डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या चाहिए, मेरे को पॉइंट्स निकालने हैं ए बी एंड सी। तो जो स्टेशन हैं आप लोगों के, स्टेशन ए बी एंड सी आर नॉट एसेसिबल स्टेशन, ठीक है, आर नॉट एसेसिबल, आप लोग यहां पर नहीं जा सकते हैं। तो अब मैं इस मेथड को कैसे करता हूं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, जो मेरी प्लेन टेबल है मैं उसको क्या करूंगा, इस डी पॉइंट पर रख दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस डी पॉइंट पर मेरी प्लेन टेबल रख दी है, ठीक है। इससे मैं क्या करूंगा, मैं साइड कराऊंगा मेरे डी पर एलिडेट को रख के ए पॉइंट को, ठीक है, मेरे बी पॉइंट को और सी पॉइंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैं कह दूं आप लोगों के, सारे आप लोगों के जो मैंने कल मेथड्स बताए थे आप लोगों को, कि सबसे पहले आप जाके सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग के बाद आप लोग लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग के बाद ओरिएंटेड करेंगे, तो आप लोगों को ओरिएंटेशन भी करना है और ओरिएंटेशन करना है आपको ई की तरफ इस टेबल को, ठीक है। ये चीज करने के बाद आप लोगों ने जब ये तीनों पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, अब सेकेंड बार में मैं क्या करूंगा, मेरी प्लेन टेबल सर्वेइंग को मैं कहां ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा उसको ई पॉइंट पर, ठीक है। और जब मैं इसको ई पॉइंट पर यहां पर इस टेबल को यहां पर एस्टेब्लिश कर दूंगा सेकेंड स्टेज में, ठीक है, यहां पर आने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि इस ई पॉइंट से मैं डी की तरफ इसको ओरिएंट कर लूंगा, ठीक है, वही सेंटरिंग करने के बाद, आई कैन से लेवलिंग करने के बाद स्पिरिट लेवल से इसको डी की तरफ ओरिएंट कराकर फिर से मैं अपनी जो रीडिंग्स हैं उनको मैं कैलकुलेट करूंगा, मतलब मैं करूंगा साइड करूंगा। लेकिन इस ड्राइंग शीट पर मैं कह सकता हूं कि ये जो डैश डैश वाली लाइन आप लोगों की थी, ये आप लोगों को पहले से ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं कह दूं ओरिएंट कराने के बाद, यदि अगर ये मेरा डी पॉइंट आया है निकलकर, तो डी पॉइंट से ए की तरफ आप लोगों को लाइन जाती हुई दिख जाएगी, बी की तरफ आप लोगों ने जो लाइन दी थी और जो सी की तरफ ली थी, ये तीनों आप लोगों की लाइन ऑफ साइट जो आप लोगों ने ड्रॉ करी वो आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोग ई पॉइंट पर इसको रखकर, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इस ई पॉइंट से अब आप लोग ए पॉइंट को करेंगे, ठीक है, साइट करेंगे आप लोग, बी पॉइंट से कराएंगे ई पॉइंट को और सी पॉइंट से कराएंगे, ठीक है। और जहां पर इनका इंटरसेक्शन आप लोगों को ड्राइंग्स पे मिलेगा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आप लोग एज ए बी सी मार्क अपनी ड्राइंग पे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट इन एसेसिबल पॉइंट तक पहुंचकर, जो पॉइंट मेरी रीच तक नहीं है वहां तक बिना पहुंचे भी मैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्लियर है आप लोगों को, मैं उन तक मैं उसकी ड्राइंग को भी बना सकता हूं।
बात करेंगे सर डिस्टेंस कैसे पता पड़ेगा एबीसी के बीच का, तो आप लोग जानते हैं कि इस डी और ई के बीच में जो आप लोगों को ड्राइंग शीट पर ये चीज दिख रही है, ठीक है, दिस इज 100 मीटर, ठीक है, कितनी है ये डी और ई, 100 मीटर इन सम स्केल, इन सम स्केल। तो यानी अगर ये डी और ई अगर मैं कह दूं, अगर आप लोगों का स्केल निकल कर आता है कुछ भी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डी ए को मेजर कर सकते हैं, ए बी को मेजर कर सकते हैं, बी एंड सी को भी आप लोग मेजर यहां पर कर सकते हैं कि वो डिस्टेंसेस कितने होंगे उनको एक्चुअल ड्राइंग पे मेजर करके। मान लीजिए ये आप लोगों का 5 सेंटीमीटर आता है, तो मेरे पास क्या हो गया, मैं एग्जांपल लेता हूं, 1 सेंटीमीटर आता है मान लीजिए डी और ई का बीच में, ठीक है, डी ई इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मेरा स्केल क्या चल रहा है यहां पर, स्केल है मेरा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। तो यदि अगर मैं कह दूं कि आप लोगों का ए बी जो है आप लोगों का वो कितना आ रहा है, वो भी अगर आप लोगों का 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि उनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ए बी वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मेथड की मदद से आप लोग इनएसेसिबल पॉइंट्स जहां पर आप लोगों को ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको किसी भी दो, मैं कह दूं आप लोगों को असेसिबल पॉइंट्स पर रहकर मैं क्या कर सकता हूं, उन पॉइंट को अपनी प्लेन टेबल सर्वेइंग पर बना सकता हूं। ये हुआ मेरा दूसरा मेथड। अब अपन लोग बात करेंगे अपने तीसरे मेथड की, जिसको मैंने आज आप लोगों के पास नाम दिया है बैक साइटिंग मेथड, या फिर उसको मैं कह देता हूं ट्रैवर्सिंग मेथड। और ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको, जो आप लोगों को शायद कई बच्चों को कल डाउट भी था, वो अपन अब लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था उसके लिए। तो तीसरा मेथड है मेरे पास थर्ड मेथड इज बैक साइटिंग मेथड। बैक साइटिंग मेथड उसी को मैंने नाम दिया है ट्रैवर्सिंग या फिर ट्रैवर्स मेथड। ये बहुत सिंपल सा मैं कह दूं आप लोगों के पास मेथड है, जिसमें आप लोगों को सारे के सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं वहां पर आप लोगों को असेसिबिलिटी होनी चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं ये मेथड मेरा जब काम में आएगा, व्हेन ऑल द स्टेशंस आर असेसिबल, ठीक है, तो आई कैन से इट इज यूज्ड व्हेन All station are accessible, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपन लोगों के पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों के पास ए पॉइंट है, आपके पास बी पॉइंट है, आप लोगों के पास, ठीक है, सी है, डी है और आपके पास एक ई पॉइंट, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स पर मुझे सबसे पहले मैं को क्या करना है, इन पॉइंट को लोकेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी प्लेन टेबल को ए पॉइंट पर रख लूंगा, ठीक है। ए पॉइंट पर रखने के बाद मैं एलिडेट की मदद से क्या करूंगा, बी पॉइंट को साइट कराऊंगा, ठीक है। बी पॉइंट को जब मैं साइट कराऊंगा और ई पॉइंट को एलिडेट की मदद से साइट कराऊंगा, ठीक है। साइट कराने के बाद कुछ स्केल में कन्वर्ट करके मैं यहां पर मेरा ई पॉइंट को मार्क कर लूंगा, ठीक है, दिस विल बी माय ई पॉइंट एंड हियर आई विल गेट बी पॉइंट। तो यहां पर टेबल रख के मैंने अपनी ड्राइंग शीट पर बी और ई को क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ता हुआ मेरी टेबल को इस बार मैं रखूंगा कहां पर, इस बार मैं मेरी टेबल को रखूंगा बी पर। और आप लोग देखेंगे कि जब मैंने इसको बी पर रखा हुआ है, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स मुझे फिर से फॉलो अप करने पड़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे। आप लोगों को यहां पे जाके आप लोगों को सेंटरिंग भी करनी पड़ेगी, लेवलिंग भी करनी पड़ेगी और ओरिएंट भी करना पड़ेगा। तो बी से आप लोग कह सकते हैं ए को आप लोग ओरिएंट कराएंगे, ठीक है, यानी बी से ए को मैं ओरिएंट कराऊंगा। और
ओरिएंट कराने के बाद आप लोगों को यहां पर पहले से ही क्या लाइन मिली होगी, मैं कह सकता हूं आपको इस ए से बी की जो लाइन है वो आप लोगों को मिल रखी होगी, और ई तक की जो लाइन थी जो अपन लोगों ने यहां पर मार्क की थी, ये दोनों बोथ लाइंस आप लोगों को पहले से ही इस ड्राइंग शीट पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, बी पॉइंट पर करा के मुझे सी को करना है। ठीक है, सी को करने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, सी को मार्क कर लूंगा। तो जब मैं सी पॉइंट पर मेरी टेबल के साथ पहुंचूंगा तो सी पॉइंट पर मुझे एक क्या फिगर मिल रहा होगा, पहले से ई पॉइंट उसमें मेंशन होगा, आई कैन से ई से ए पॉइंट आप लोगों को मेंशन होगा, दिस इज ई, दिस इज ए, ए से आप लोगों को बी मार्क होगा और बी से आप लोगों को सी पॉइंट मार्क हो रखा होगा। तो सी से आप लोगों को बैक साइटिंग लेनी है बी पर, और उस टेबल को ओरिएंट करा के आप लोगों को फिर से एलिडेट से साइट करना है डी को, और यहां पर मार्क कर लेंगे अपन डी। ठीक है, जब मैं टेबल को डी पे ले जाऊंगा तो मुझे, मैं कह सकता हूं मेरा जो सी से जो ई से फिगर आप लोगों का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ई ए बी सी, डी से आप लोग सी को ओरिएंट कर लेंगे और मैं डी से ओरिएंट कर लूंगा, तो मुझे प्लेन टेबल पर मेरा पूरा का पूरा फिगर क्या होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और मैं प्लेन टेबल रख के ई पॉइंट से ए को भी फिर से देख सकता हूं और डी को भी मैं क्या करूंगा, बैक साइटिंग से उसको अपना करा सकता हूं। तो इस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके, ठीक है, जब सारे के सारे पॉइंट्स क्या हों, जब मेरे सारे के सारे पॉइंट्स क्या हों, असेसेबल हों, मैं उन पॉइंट्स तक पहुंच पाऊं, तो इस मेथड को अपन लोग कहते हैं बैक साइटिंग मेथड। बैक साइटिंग मेथड इस वजह से अपन लोग कह रहे हैं इसको, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जाके ओरिएंटेशन के लिए मैं बैक साइट ले रहा हूं और मैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल कर रहा हूं, इसी वजह से इस मेथड का नाम पड़ गया है ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रैवर्सिंग मेथड। इसको बहुत कॉमन लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि वी आर डूइंग अ ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, यानी प्लेन टेबल की मदद से ट्रैवर्सिंग करने को अपन ट्रैवर्स मेथड ऑफ प्लेन टेबल कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को तीसरा मेथड भी क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं आपसे अपने चौथे मेथड की। ठीक है, फोर्थ जो मेथड है आप लोगों का, फोर्थ मेथड है आप लोगों के पास रीसेक्शन मेथड। रीसेक्शन मेथड, रीसेक्शन मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो रीसेक्शन मेथड में ध्यान देने वाली बात यह है, इस मेथड को जो मैं कह दूं आप लोग फॉलो करते हैं, वहां पर आप लोगों ने पहले भी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग पढ़ाया था। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग का एक कंसेप्ट आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों को कोई भी पॉइंट सर्वे में अगर उसको आप लोगों को लोकेट करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो इट शुड बी लोकेट विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मिनिमम दो पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। रीसेक्शन मेथड जो है वो उसी पर ही बेस्ड मेथड है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसके अगर आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो यू विल राइट, इट इज द मेथड, इट इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग, इट इज the method of locating the position of instrument station। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में आज की क्लास में बताया था इस मेथड, जो दोनों मेथड्स होते हैं उसमें अपन लोग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की पोजीशन को निकालते हैं। ट्रैवर्सिंग मेथड में भी अपन पॉइंट टू पॉइंट जाके इंस्ट्रूमेंट जहां जहां रख रहे थे उसी पॉइंट के अपन लोकेट कर रहे थे। इसमें भी सेम इसी तरीके से होता है। ठीक है, वी विल लोकेट द पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ आई कैन से ऑलरेडी, ठीक है, और यू कैन से पहले से ही जो मार्क होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मार्क्ड पोजिशन, already marked position of some objects, some
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन द ड्राइंग आइकन से, ऑन द ड्राइंग, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि इस ये मेथड आप लोगों का उस केस में काम आ रहा है जब मेरी ड्राइंग शीट पर मैं आप लोगों से कह दूं कि दो पॉइंट्स या दो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पहले से ही मार्क है, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूं, मेरे पास मान लीजिए एक डी पॉइंट है और एक मेरे पास ई पॉइंट, ठीक है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो मेरे को पता है, ठीक है। दीज आर द प्री, मैं कह दूं आप लोगों के प्री फिक्स्ड पॉइंट है, प्री मार्क्ड पॉइंट है, तो उनके बीच का डिस्टेंसेस मुझे पता है, ठीक है। बीच में मैं आप लोगों को क्या कह दूं कि फिर से ऐसा कोई चीज आ जाए जिससे आप लोग इन पॉइंट तक पहुंचना अभी नहीं चाह रहे हैं, और मुझे, मैं इन पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं ए बी और सी, ठीक है। तो मुझे बी को अगर मुझे मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसके लिए मुझे प्लेन टेबल को रखना पड़ेगा बी पर, और बी पॉइंट को मैं कह दूं सेंटरिंग करा के, ओरिएंट करा के टेबल को, मैं डी को साइड करूंगा, मैं अपने इस ई पॉइंट को साइड करूंगा, ठीक है, ई पॉइंट को साइड करूंगा, और यहां पर आप लोगों को ये जो आप लोगों को डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आप लोगों को जो मिलेगा वो आप लोगों का डी ई डिस्टेंस के बराबर होगा जब आप लोग इस पॉइंट पर, मैं कह दूं आप लोगों को, जब आप यहां से सी, ठीक है, और ए को भी साइड करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में अपन लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड में जो पहले से ही आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड हैं जिनके बीच का आप लोगों को डिस्टेंस पता है, उनकी मदद से मैं अपने तीसरे पॉइंट को क्या करता हूं, तीसरे पॉइंट को मैं एस्टैब्लिश करता हूं, ठीक है। तो उस केस में, इस केस में मैं कह सकता हूं कि मैं फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट की ही पोजीशन को लोकेट कर रहा हूं किसी दो नोन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो मेरे नोन पॉइंट्स हैं वो है मेरे पास डी, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास ई, और जिस पॉइंट को मैं अभी एस्टैब्लिश कर रहा हूं वो है मेरे पास बी। तो रीसेक्शन जो मेथड होता है वो इस तरीके से आप लोगों को फील्ड में काम करता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ एक शेयर कर दूंगा, जिसमें कहां पर आप लोगों को प्लेन टेबल रखनी है, फिर किस तरीके से आपको करना है, उसकी एक पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को वो मेथड, और ज्यादा मैं कह दूं आप लोगों को, हमेशा के लिए आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे जिससे आप लोग उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर देते हैं। तो ये बात हुई रीसेक्शन मेथड की, लेकिन रीसेक्शन मेथड को करने के लिए और भी कई मेथड्स, ठीक है। तो आई कैन से रीसेक्शन मेथड कैन बी डन बाय, ठीक है, आप लोग इस रीसेक्शन मेथड को कई और मेथड से भी कर सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला आपके पास आता है बाय कंपस मेथड। आप लोग कंपस मेथड को यूज कर आप लोग क्या कर सकते हैं, रीसेक्शन मेथड को अपने फील्ड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबके नाम आप लोगों को बता देता हूं, बाय कंपस मेथड। नेक्स्ट वन इज बाय बैक्स ओरिएंटेशन, ठीक है, बैक ओरिएंटेशन, बैक साइटिंग आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से इसको, बैक ओरिएंटेशन, बैक ओरिएंटेशन मेथड आप लोग इसको नाम देख लें, ठीक है। बैक ओरिएंटेशन मेथड के पास जो आप लोगों के पास मेथड आएगा दैट इज थ्री पॉइंट प्रॉब्लम एंड टू पॉइंट प्रॉब्लम, बैक ओरिएंटेशन मेथड, ठीक है। दूसरा आप लोगों के पास, तीसरा हो जाएगा आप लोगों के पास थ्री पॉइंट प्रॉब्लम और एक होता है आपके पास टू पॉइंट प्रॉब्लम, टू पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इन चारों मेथड की मदद से मैं कह सकता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड में रीसेक्शन मेथड को कर सकते हैं। चारों ही जो मेथड हैं अलग अलग, मैं कह दूं आप लोगों से केसेस में आप लोग यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से इनको फील्ड में किया जाता है,
ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो सबसे ज्यादा मेथड अपन लोग काम में लेते हैं दैट इज 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम को अपन लोग सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। और उसको लेने का जो कारण है, क्योंकि कंपस मेथड की मैं आप लोगों से बात करूं तो कंपस मेथड में आप लोग देख सकते हैं कि जो कंपस अपन यूज में लेते हैं वो मैग्नेटिक जो उसकी निडल होती है वो आप लोगों की, जैसे ही आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या फिर मैं कह दूं कुछ मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास आएंगे तो वो निडल की जो वैल्यू आप लोगों के पास आती है वो मैं कह दूं कि गलत आती है, ठीक है। तो वहां पर वो जो गलत वैल्यू आप लोगों को मिल रही है इस वजह से उस मेथड को मैं ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर सकता, या फिर जहां पर मुझे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए वहां पर भी मैं इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं फॉर कंपस मेथड इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल सर्वे, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल सर्वे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को कंपस मेथड के लिए बता रहा हूं। इसी का जो दूसरा पॉइंट है इट इज नॉट एक्यूरेट मेथड, इट इज नॉट एक्यूरेट मेथड। तो यहां तक मुझे क्लियर हो गया कि ये जो मेथड है, ठीक है, इसको अगर मैं बता दूं आप लोगों को जो करने का जो इसका है वो बहुत सीधा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग इसको कंसीडर करके चलें कंपस मेथड को, अपन लोग किस तरीके से फील्ड में परफॉर्म करेंगे, तो आप लोग मान लें कि अगर ये फर्स्ट मेथड है बाई कंपस, बाई कंपस मेथड, क्या करना है अपन लोगों को, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। मैंने जब मेरी प्लेन टेबल को यहां पर रखा, ठीक है, प्लेन टेबल रखने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं यहाँ पर साइट करूंगा, ठीक है, कंपस की मदद से, और जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा सी, मैं उसको क्या करूंगा अपने लोकेट में वहां पर करा लूंगा। जब ये यहाँ पर आप लोगों का दिस इज ए बी, दिस वन विल बी स्मॉल ए बी, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, ए पे मैं क्या करूंगा इसको साइट करूंगा, बी से मैं इसको साइट करूंगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आप लोगों का सी आप लोगों को लोकेट कर कर दे देता है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसको अपन लोग क्या करते हैं वहां पर परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही आप लोगों का बैक ओरिएंटेशन होता है। बैक ओरिएंटेशन में अपन लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल को दो पॉइंट्स पर जाकर बैक उसका मैं क्या लेता हूं, बैक साइड लेता हूं, ठीक है, और उसमें जो एरर्स वगैरह भी कई बार आते हैं तो उन एरर्स को भी अपन लोग रिमूव करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के 3 पॉइंट और 2 पॉइंट प्रॉब्लम में, इसमें अपन लोग 3 पॉइंट की मदद से अपन लोग इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी स्टेशन को, और इसमें अपन लोग 2 पॉइंट की मदद से नोन पॉइंट जो होते हैं मैं कह दूं आप लोग उसको करते हैं, ठीक है, परफॉर्म ये मेथड जो होते हैं। दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है इनको भी कई मेथडों से करा जा सकता है आप लोगों को। जैसे मैं कह दूं कि मैं इसको ट्रेसिंग पेपर की मदद से कर सकता हूं, ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड, और जो दूसरा मेथड है आप लोगों का, ये मैं 3 पॉइंट्स के लिए आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूं। दूसरा होता है आपके पास बेसल्स मेथड, ठीक है, बेसल्स ग्राफिकल मेथड, आई कैन से, कई बार इसको ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैं लेमन्स मेथड के नाम से भी, मतलब वो जो मैं लेमन्स मेथड के थ्रू भी कर सकता हूँ। लेमन्स मेथड मैं कह दूं आप लोगों के कुछ रूल्स होते हैं जिनको अपन लोग लेमन्स रूल के नाम से जाते हैं, उन रूल को फॉलो करते हुए मैं अपनी कह दूं कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम को परफॉर्म करता हूं, ठीक है, दिस इज फॉर 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये तीनों मेथड ही मेरे किसके लिए हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए अपन लोग करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेसिंग पेपर, बेसल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम आप लोग एक ही तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। आप लोगों के साथ जो इसका जो मैं कह दूं आप लोगों को कि जो लेमन्स जो मेथड है उसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना होता है कि ये एक एरर रिमूवल मेथड है, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, दिस इज एरर रिमूवल मेथड, ठीक है। इसके लिए एक और नाम अपन लोग कह सकते हैं, दिस इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है
जिसमें अपन लोग एक पॉइंट को क्या करना चाहते हैं, एक पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, ताकि उसमें जो ट्रायंगुलेशन फॉर्म में जो एरर आता है वो अपने वहां पर अकर ना हो। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों से पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग उस पीडीएफ में इनके मेथड्स को और भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बात की आप लोगों से प्लेन टेबल सर्वेइंग की, जो मैं अपनी पिछली क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। अब अपन लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया था, और वो मेथड है आप लोगों का एरिया एंड वॉल्यूम मेथड। एरिया और वॉल्यूम मेथड का अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सर्वेइंग का बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, चाहे इसमें अपन लोग कोई इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तब भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग समझें कि मैंने किसी भी एरिया का सर्वे कर लिया है, सर्वे करने के बाद मुझे वहाँ पर करना क्या है, मुझे वहाँ पर सबसे पहले जाकर क्या करना है, उस एरिया को कैलकुलेट करना है, उस एरिया को साथ साथ मुझे वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। एरिया और वॉल्यूम अपन लोगों का बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है, क्या पता मुझे वहाँ पर एक्सेवेशन कितना करना हो ये निकालना हो, किसी रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालनी हो तो मुझे उसका एरिया और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, कोई एम्बैकमेंट बनाना है मुझे, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे एरिया एंड वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो अपना नया टॉपिक है, दैट इज एरिया एंड वॉल्यूम मेथड। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम मेथड। ये मैं कह दूं, ये टॉपिक सर्वेइंग का कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों का मैथमेटिक्स से भी काफी हद तक जुड़ा हुआ है। इसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस को भी, जो अपन क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि उन मेथड्स को अपन लोग फील्ड में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरिया एंड वॉल्यूम मेथड में आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एरिया आप लोगों को पहले तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर किलोमीटर इन सब की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यूनिट्स अलग अलग चलती हैं इसमें, मैट्रिक्स आप लोगों की यूनिट चलती है, कुछ ब्रिटिश इक्विवेलेंट्स आप लोगों के चलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो आप लोग जानते हैं, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जो आप लोगों का एक एकड़ जमीन होती है, जिसको कई बार अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते भी हैं, एक एकड़ जो जमीन होती है वो कितने हेक्टेयर के बराबर होती है, तो वो होती है अपनी 0.4047, मतलब एग्जैक्ट अगर आप बात करें तो 40467 हेक्टेयर के बराबर आप लोगों की वो क्वांटिटी होती है। ठीक है, इस तरीके के यूनिट कन्वर्जन अपन को कई बार करने भी पड़ते हैं कि भाई ये जो एकड़ से मुझे हेक्टेयर में चेंज करना है ये सब कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूनिट जो कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, इन यूनिट कन्वर्जन्स पर भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप लोगों से इस बार मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों ने इन यूनिट्स को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और भी मैं आप लोगों के साथ अगर डिस्कस कर लूँ कि किस तरीके से अपन लोग करेंगे तो इसको आप देखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये 10 एकड़ आएगा आप लोगों के पास, ठीक है, नहीं एक एकड़, और अगर मैं बोल दूँ 10 आप लोगों के पास चेन, ठीक है, 10 स्क्वायर चेन अगर मैं लेके चलता हूँ, 10 स्क्वायर चेन, ठीक है, इस पर भी कई बार आप लोगों के पास पूछा गया है कि 10 स्क्वायर चेन कितने के बराबर होती है, तो 10 स्क्वायर चेन आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, वो आप लोगों की 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक एकड़ जो होगा वो मेरा 10 स्क्वायर चेन के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज मेरे को यहाँ से क्लियर हो रही है। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों के पास बात करता हूँ कि अगर मैं ले लूँ 100, ठीक है, 100 हेक्टेयर जमीन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 100 हेक्टेयर जमीन को अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर माइल्स में, तो आप लोगों के पास यूनिट हो जाएगी 0.3861 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, अगर आप लोग माइल्स में इसको चेंज करना चाह रहे हैं स्क्वायर माइल्स में, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि अगर आप लोगों के पास 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर जमीन है और 100 स्क्वायर मीटर को आप लोग चेंज करना चाह रहे हो स्क्वायर फिट में, तो हो जाएगी 1076.4 स्क्वायर फिट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को याद भी रहनी चाहिए।
ठीक है। एक आप लोगों के मैं कह दूं कि ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स ब्रिटिश और आप लोगों के मैट्रिक में चलती है। मोस्ट कॉमन मैं कह दूं आप लोगों से, मोस्ट कॉमन जो यूनिट है, मोस्ट कॉमन यूनिट, ठीक है, फॉर मेजरमेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्क्वायर, जिसको नाम दिया गया है, एक नई यूनिट अपन लोग जानते हैं, दैट इज एरे, ए आर ई, ठीक है, जिसको अपन लोग ए से डिनोट करते हैं। और एक एरे जो होता है आप लोगों का, वो आप लोगों का बराबर होता है 1076, ठीक है, 0.4 स्क्वायर फीट, यानी वो एक एरे कितना हो गया, 100 स्क्वायर फीट के बराबर आप लोगों का हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को एरिया एंड वॉल्यूम से पहले जानने चाहिए। अब अपन लोग एक एक करके मेथड डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अपन लोग एरिया कैलकुलेट करें और किस तरीके से अपन लोग, कह दूं मैं आप लोगों से, वॉल्यूम आप लोग निकालेंगे। सबसे पहले एरिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एन एरिया आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जिसमें से सबसे पहला जो आप लोगों के पास मेथड है, पहला मेथड मैं कहूंगा एरिया कंप्यूटेड बाय, एरिया कंप्यूटेड बाय सब डिवीजन, एरिया कंप्यूटेड बाय सब डिवीजन इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई, मैं कह दूं एरिया है, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जिस अगर ये मेरे पास एरिया है, आप लोग मान के चलें, ठीक है, ये मेरे पास एक एरिया आ चुका है, इनको मैं नाम दे देता हूं। जो नाम है मेरे पास, दैट इज, इसको ए बी सी डी एंड ई। अब मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड कर लूंगा मैं छोटे छोटे, किसमें, आप लोगों के ट्राइंगल्स। तो ये मेरे ट्राइंगल्स मैंने कर लिए। अब मुझे क्या करना है, इनको डिवाइड करने के बाद इनका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दिस इज माय सब डिवीजन इनटू ट्राइंगल्स, एक बड़ा होती बड़े एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में मैंने तोड़ लिया। जो यहां पर एरिया होगा आप लोगों का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप लोग निकालेंगे, और आप लोग यदि कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि दो चीजें हैं आप लोग इसमें कंसीडर करने वाली, ठीक है। तो पहली जो चीज मैं कह रहा हूं कि आप लोग तीनों साइड्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी कंसीडर ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जब आप लोग ट्राइंगल की जो आप लोगों ने करा है उसकी तीनों साइड्स को, दैट इज ए बी एंड सी को आप लोग कंसीडर करेंगे, तो एरिया जो होगा आप लोगों के पास, वो उसकी वैल्यू आएगी आप लोगों के पास अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी एंड मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी का होल का स्क्वायर रूट। जहां पर मैं कह दूं एस जो है आप लोगों के पास, दिस इज एन एवरेज, और एवरेज किसका है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का, ठीक है। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, जब आप लोग तीनों साइड, जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स आप लोगों ने डिवाइड किए हैं, जब आप लोग तीनों साइड्स को कंसीडर कर कर चलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि मैं किसी दो साइड और एक एंगल को मैं कंसीडर करके यहां पर चलूं, ठीक है। और उस केस में जो आप लोग फॉर्मूला देखेंगे वो क्या है आप लोगों के पास, यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, दिस इज माय हाफ पेरीमीटर, ठीक है, ये आपका क्या है, एस हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, जो मैंने एक निकाला है। उसके बाद व्हेन वी कंसीडर टू साइड्स, ठीक है, एंड एंगल, तो वहां पर जो आप लोगों को फॉर्मूला देखने को मिलेगा, एरिया आप लोगों के पास जो होगा वो हो जाएगा हाफ, ठीक है, साइड ए इंटू बी साइन
सी के बराबर। ठीक है, आप लोगों का जो एरिया निकल कर आएगा वो कितना आएगा, हाफ ए बी साइन सी के बराबर वो आप लोगों को एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, यदि मैंने यहां पर एंगल सी लिया है, ठीक है, ये आप लोगों का हो सकता है कि हाफ, अगर मैं साइड चेंज कर देता हूं, बी सी ले लेता हूं तो आप लोगों के पास एंगल आ जाएगा साइन ए, और यदि मैं यहां पर साइड ले लेता हूं कौन सा ए सी, तो आपके पास एंगल आ जाएगा साइन बी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले जो है वो एक ही है, एरिया के ही है। ठीक है, आप लोग जो कंसीडर करेंगे एंगल, उसके अब जो अपोजिट साइड्स हैं वो आप लोगों को लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड से मेरा मतलब है उस एंगल जिनसे वो बन रहा है, वो साइड्स आप लोगों को वहां पर कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है एरिया कैलकुलेट करने का, दैट इज एरिया कंप्यूटेड बाय सब डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स। इसी तरीके से आप लोगों के पास और भी मेथड्स हैं जिनसे आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं अब अपन। सेकेंड मेथड है आप लोगों के पास एरिया बाय एन ऑफसेट। ठीक है, सेकेंड मेथड है आप लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास जो मेथड है दैट इज एरिया फ्रॉम एन ऑफसेट्स। ठीक है, एरिया फ्रॉम एन ऑफसेट्स में भी मैं कह दूं आप लोगों के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो एरिया जो ऑफसेट्स अपन लोग ले रहे हैं, इसमें अपन लोग बेस लाइन को कंसीडर करके चलेंगे। बेस लाइन को जो है मैं कह दूं, बेस लाइन पे जो आप लोगों के ऑफसेट्स आप लोग ले रहे हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पर आप लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं कि एरिया फ्रॉम ऑफसेट टू अ बेस लाइन, एरिया फ्रॉम एन ऑफसेट टू अ बेस लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स, एरिया ऑफ ऑफसेट टू, दिस इज ए बेस लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो अब अपन करते हैं एक एक मेथड को डिस्कस। सबसे पहला मेथड अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ए मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, और वी कैन से मिड ऑर्डिनेट रूल। इस मेथड के हिसाब से अपन लोग क्या करेंगे, इस मेथड के हिसाब से मैं ये मान के चलूंगा कि जो मेरी एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो मेरी एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, एक्सट्रीम बाउंड्रीज से मैंने क्या किया है, ऑफसेट लिया है। ऑफसेट जो मुझे मिल रहे हैं वो मुझे स्ट्रेट मिल रहे हैं, ये मेरा कह दें कि आप लोग अजम्पशन है। और इसी के साथ साथ दिस इज माई ऑफसेट स्टार्टिंग ओ एंड दिस इज विल माई लास्ट ऑफसेट एन। दो ऑफसेटों के बीच में मैं कह दूं, ठीक है, ये जो आपके मैं कह दूं एक इंटरवल जो है आप लोगों के पास, ठीक है, ये अगर मैं वन कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज माई टू एंड दिस इज माई थ्री, तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरा एक ऑफसेट के मतलब एक इंटरवल में मैंने एक ऑफसेट को कंसीडर किया है। ये ऑफसेट मेरा क्या हो जाएगा, ओ वन। वन और टू के बीच में मेरा एक ऑफसेट है, ये मेरा हो जाएगा ओ टू। टू और थ्री के बीच में एक ऑफसेट है मेरा ओ थ्री, और इस तरीके से सो ऑन आप लोगों के ऑफसेट जो है आप लोग कंसीडर करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या मैं कह दूं कि जो मेरे पास टोटल बेस लाइन की जो लेंथ आएगी, ठीक है, अगर एक की दूरी जो है वन से लेके टू तक की दूरी मेरी स्मॉल डी है, ठीक है, जो दूरी है यानी, और दो से लेके तीन तक की जो दूरी है वो भी कितनी है, तीन है, तो हर एक रेगुलर इंटरवल अगर मेरे पास डी के बराबर है तो जो मेरी टोटल लेंथ होगी वो मेरी हो जाएगी एन डी के बराबर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रेगुलर इंटरवल मैंने नंबर ऑफ एन मान लिए, तो टोटल लेंथ मेरे पास हो जाएगी एन डी के बराबर। ठीक है, तो इसको यदि अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आप लोग देखेंगे जो मेरा एरिया होगा, ठीक है, एरिया मेरे पास आ जाएगा एवरेज ऑर्डिनेट, ठीक है, एवरेज ऑर्डिनेट इनटू लेंथ ऑफ आई कैन से बेस। ठीक है, एवरेज ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं,
एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास निकल कर आएगा ओ वन प्लस ओ टू प्लस ओ थ्री प्लस सो ऑन, ऐसे करके कहां तक आएगा मेरे पास ओ एन तक, जितने भी मेरे पास ऑफसेट्स निकल कर आए हैं। दिस विल बी डिवाइडेड बाई एन, दिस इज माई एवरेज ऑर्डिनेट। सारे ऑर्डिनेट्स को आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मैंने कर दिया तो मेरे पास एवरेज ऑर्डिनेट आ गया है। इसको मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ बेस लाइन से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो दैट इज कैपिटल एल। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि मेरे पास जो यहां पर चीज निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, मेरे पास ये मेरे पास O1, O2, O3, ये मेरे पास सिग्मा O लिख दूं इसको, ठीक है, दिस विल बी सिग्मा O। N अगर मैं एज इट इज लिख लेता हूं, L मेरा किसके बराबर है, L मेरा N D के बराबर है, ठीक है, तो मेरा N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज सिग्मा ऑर्डिनेट इनटू D, दिस इज विल बी माय फॉर्मूला, मतलब फाइनल फॉर्मूला। और इसको कई बार इस तरीके से भी डिनोट कर दिया जाता है कि O1 plus O2 up to On into D, this will be the formula of mid ordinate rule, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला है आप लोगों के पास, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज एवरेज एवरेज ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ठीक है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें अपन लोग किस तरीके से करते हैं, सेम आप लोगों को फिर से वही मान के चलना है कि जो मेरे एक्सट्रीमीज हैं, ठीक है, उनसे जो मुझे ऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो मुझे क्या मिल रहे हैं, स्ट्रेट फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है, ये मेरा रूल पहले की तरह ही वैलिड रहेगा, ठीक है। और मैं ऑर्डिनेट्स के नाम दे दूंगा, क्या ऑर्डिनेट्स के आप लोगों के पास नाम हो जाएंगे O1, O2, O1, O2, O3, ठीक है, O4, O5, ठीक है ये। लेकिन इस फॉर्मूले में, यानी इस जो मैं कह दूं इस मेथड में, जो पहले वाले मेथड से डिफरेंस जो है आप लोगों का, ये जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो हर एक इंटरवल के बाद होते हैं, ठीक है, यानी एक इंटरवल पर आप लोगों को एक ऑर्डिनेट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अपन एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, द ऑफसेट, ठीक है, आर मेजर्ड, द ऑफसेट्स आर मेजर्ड टू ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ द पोजीशन, ईच ऑफ द पोजीशन और आई कैन से पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन के हर एक डिवीजन पर होता है, यानी इस बार ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ये मेरे पास फोर हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, इस तरीके से ये सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डिवीजन मेरे पास होंगे, ठीक है, उस नंबर ऑफ डिवीजन से ऑर्डिनेट क्या होगा, एक ज्यादा ऑर्डिनेट मेरे पास निकल कर आएगा। इस केस में जो मेरे पास एरिया होता है वो मेरे पास हो जाएगा एवरेज, आई कैन से ऑर्डिनेट इनटू लेंथ, ठीक है, एवरेज ऑर्डिनेट इनटू लेंथ ऑफ बेसलाइन हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो अपन एवरेज निकालेंगे वो मेरे पास आएगा ओ जीरो से स्टार्ट होकर ओ वन, आई कैन से ओ टू प्लस दिस 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 अप टू ओ एन, ठीक है, इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, क्योंकि इस बार मेरे पास जो ऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये टर्म मेरे पास आएगी एल सिग्मा ओ एन प्लस वन, दिस विल बी माय फाइनल फॉर्मूला फॉर ए। क्लियर है आप लोगों को कि एवरेज ऑर्डिनेट रूल आप लोग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। और भी मेथड्स आप लोगों के हैं जो अपन लोग अब डिस्कस करेंगे। इसमें दूसरा मेथड होता है आप लोगों के पास, दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल। ये सारे मेथड जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे एरिया को निकालने के लिए हैं। और इनसे किस तरीके से गेट या फिर ईएससी में आप लोगों के पास क्वेश्चन
आ सकता है वो भी मैं आप लोगों के से डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो कि मैं कह दूं आप लोगों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल से आप लोगों के पास इससे क्वेश्चन बनते हैं कि रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालो, ठीक है, रिजर्वायर कैपेसिटी के साथ रेलवे के एम्बैकमेंट्स वगैरह जो मैं आप लोगों को बता रहा था उसमें आप लोगों को क्वांटिटी निकलवा लेते हैं वो लोग, आप लोगों को मैं कह दूं चेनेज निकलवा लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं जिनको अपन लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होगा कि मैं उसमें एक ट्रेपेजॉइड कंसीडर करके चलता हूं मेरे एक्सट्रीमीज को, ठीक है, दिस वन वन ट्रेपेजॉइड कंसीडर करके चलेंगे अपन लोग, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ नॉट, ओ वन, ओ टू, ओ थ्री, ओ फोर, अप टू आई कैन से ए ओ एन है, ठीक है, इस तरीके से ही चलता रहे। और आप लोगों के पास जो डिविजन्स हैं वो किस तरीके से होंगे, जीरो, वन, टू, थ्री एंड लास्ट वन विल बी एन। जो टोटल जो आप लोगों के पास ये डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट फॉर्मूले में भी बताया था, नंबर ऑफ डिविजन एन है, एक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, इसका मीनिंग एक का डिस्टेंस है मेरे पास डी के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पहले ही बात करूं कि जो आप लोगों को फर्स्ट ट्रेपेजॉइड बन रहा है यानी इसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं दिस, ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजॉइड, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजॉइड जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ओ नॉट प्लस ओ वन डिवाइडेड बाई दैट इज टू इंटू डी, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपेजॉइड जब मैं निकालूंगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ओ वन प्लस ओ टू बाई टू इंटू डी। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, जितने भी मेरे पास ट्रेपेजॉइड आप लोगों के बेस लाइन के अलोंग बन रहे हैं सबके एरिया को मैं क्या कर सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो जो मेरे पास लास्ट ट्रेपेजॉइड बनेगा तो क्या मैं कह दूं उसका जो एरिया होगा, ठीक है, लास्ट ट्रेपेजॉइड का जो मेरे को एरिया मिलेगा क्या वो मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ओ एन माइनस वन प्लस ओ एन डिवाइड बाई टू इंटू डी, तो हाँ वो इस तरीके से ही मेरे पास एरिया होगा। तो यदि मैं इन सब का सम कर दूं अप टू एन जो चल रहा है, बीच के सारे भी मैं ले लेता हूं और सबको सम कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है, तो आई कैन से हेंस द सम ऑफ ऑल ट्रेपेजॉइड विल बी, ठीक है, जो सम आप लोगों को सारे ट्रेपेजॉइड को देखने को मिलेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसको मैं एरिया कह देता हूं और जितने भी आप लोगों के पास ट्रेपेजॉइड आए हैं उनके बराबर हो जाएगा, जिसको मैं डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री, ठीक है, अप टू डेल एन, ये ट्रेपेजॉइड के एरिया को मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट का कितना था, ओ नॉट प्लस ओ वन बाई टू, ठीक है, आप लोगों का दूसरे वाले का था ओ वन प्लस ओ टू बाई टू, ठीक है, इसी तरीके से लास्ट तक चलेगा ओ एन माइनस वन प्लस ओ एन बाई टू, और इन सब में से मैं कह दूं कि मेरे डी जो है वो मेरा क्या आ सकता है, कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, डी विल बी माई कॉमन टर्म, तो मैंने उसको क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ट्रेपेजॉइड रूल को फॉलो करता हुआ एरिया निकाल सकता हूँ मैं अलोंग द बेस लाइन किसी भी ट्रेपेजॉइड जो आप लोगों के वहां पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड रूल का जो मैं कह दूं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि उसको में भी अपन लोगों ने इसको डिफाइन करते हैं, ये उसी तरीके से फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आप लोगों का नेक्स्ट मेथड है दैट इज सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी आप लोगों ने आई नो कि मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग
मैथमेटिक्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, इसको मैं समझा देता हूँ कि सिम्पसन्स रूल आप लोगों का जब काम में आता है, जब मेरे जो एक्सट्रीम्स की जो बाउंड्रीज हैं वो मेरी पैराबोलिक हो जाएं, किसकी बजाय, ठीक है, मेरे स्ट्रेट होने की बजाय, यूज्ड फॉर पैराबोलिक, आई कैन से यूज्ड फॉर पैराबोलिक बाउंड्रीज। पैराबोलिक बाउंड्री से मेरा मतलब है कि यदि मैं इस ए बी लाइन को कंसीडर करता हूं, दिस इज माय ए बी, और जो मैंने ये जो मेरी बाउंड्री है वो आ रही है मेरी पैराबोलिक शेप की, तो आप लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, मैं एक तो मेरा ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, एरिया मेरे पास जो आ रहा है मैं कह दूं ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन आप लोग ट्रेपेजॉइड समझे, दिस विल बी माय डी, दिस इज माय एच, ठीक है, एंड दिस इज सी। तो मैं क्या करूंगा, इसके ए बी के पैरेलल एक और लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा जी पॉइंट, और इस ए के, ये ए बी के पैरेलल मैंने एक यहां से लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा ई और ये पॉइंट हो गया मेरा एफ। जो आप लोगों को ऑर्डिनेट्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं, तो ऑर्डिनेट्स को मैं यहां से इस तरीके से शो कर देता हूं, जहां पर एरो आ रहा है ये ऑर्डिनेट मेरे पास हो जाएगा ओ नॉट, ठीक है, जो ऑर्डिनेट आप लोगों को ये मिल रहा है, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा कितना, एक्चुअल में ये लाइन है ना, इसके मैं कह दूं कि इनके बीच में गैप नहीं होगा, इसको अपन इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, पैराबोलिक को, और थोड़ा सा इसके फिगर को करेक्ट कर लेते हैं अपन लोग, ताकि कैलकुलेशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको फिगर को करेक्ट करके मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, तो जो पैराबोला होगा वो इसको टच करता हुआ जाएगा, ये इस तरीके से कुछ आप लोगों को पैराबोलिक आप लोगों की बाउंड्रीज मिलेंगी, ठीक है, ये जो पॉइंट है आप लोगों का एफ रहेगा, एच रहेगा, ऑर्डिनेट जो है यहाँ पर वो आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है आप लोगों का ओ वन, और ये ऑर्डिनेट है आप लोगों का ओ नॉट, और ये जो ऑर्डिनेट है आप लोगों का लास्ट में, दिस ऑर्डिनेट इज ओ टू, आई कैन से, ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे जो एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया आप लोग जो डिटरमाइन करेंगे वो कौन सा करेंगे, मेरे को इस पैराबोला के अंडर का एरिया आप लोगों को निकालना होता है, ठीक है, इस पैराबोला का एरिया निकाल लेता हूं तो मैं कह दूं कि मेरे को जो शेप का एरिया चाहिए वो भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड की आप लोगों से बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, जो ट्रेपेजॉइड जो मैं कंसिडर कर रहा हूं वो कौन सा है मेरा, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है, कौन सा, ए बी सी एंड डी, मैं आप लोगों का ट्रेपेजॉइड कंसीडर कर चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जो मैंने अभी आप लोगों को निकालना बताया था, ओ नॉट प्लस सेकेंड ऑर्डिनेट इज ओ टू डिवाइड बाई टू, और जो डिस्टेंसेज है मेरे पास, अगर मैं इसको स्मॉल डी कंसिडर कर लेता हूँ, इसको भी स्मॉल डी कर लेता हूँ, तो डिस्टेंस जिससे मल्टीप्लाई कराऊंगा वो कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा टू डी के बराबर, ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रेपेजॉइड का एरिया आ गया, यानी मैं कह दूं मेरे पास इतने का एरिया निकाल चुके हैं आप, ठीक है, ये एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब बचा किसका है, मेरे पास पैराबोला का एरिया बचा है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, आप लोग आर्क की छोरी यहां पर लगाएंगे और एरिया ऑफ सेगमेंट आप निकालेंगे डी एफ सी, यानी कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं डी एफ सी, यानी इस एरिया की, ठीक है, ये जो पैराबोला के अंदर है इसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो DFC का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो मैं ज्योमेट्री के फॉर्मूला लगाकर कर सकता हूं, दैट इज 2/3 समेशन ऑफ, आई कैन से O1 जो है आप लोगों का,
माइनस आप लोगों का एवरेज आप लोग ले लें ओ नॉट प्लस ओ टू डिवाइड बाई टू, ठीक है, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, टू डी। टू थर्ड पार्ट होता है आप लोगों के टोटल, मैं कह दूं एरिया का, ठीक है, ट्रेपेजॉइड के एरिया का वो टू थर्ड पार्ट होगा। और टू थर्ड जो पार्ट है वो कैसे निकालेंगे अपन, पूरा जो बिगर वाला ऑर्डिनेट है मेरा ये, ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है ओ वन और ओ टू का एवरेज लेकर इसमें से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा मैं कह दूं बड़ा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ टू और ओ नॉट है उनमें डिफरेंस है, वो सिमिलर नहीं है, ठीक है, इस केस में, इस वजह से मैंने उनका एवरेज जो है वो माइनस किया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट डीएफसी आप लोगों ने निकाल लिया, पैराबोला का निकाल लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा इन दोनों एरियाज को ऐड कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों को एरियाज को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ठीक है, एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट सेगमेंट विल बी एडेड एंड वी गेट, ठीक है, आप लोगों को जो फॉर्मूला मिलेगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का यहां पर ओ नॉट प्लस ओ टू बाई टू, ठीक है, इंटू टू डी प्लस टू बाई थ्री ब्रैकेट ओ वन माइनस ओ नॉट प्लस ओ टू बाई टू, ठीक है, इंटू टू डी, इन दोनों वैल्यूओं को आप प्लस कर देंगे आपके पास जो इसको सॉल्यूशन पाएगा दैट इज डी बाई थ्री ब्रैकेट ओ नॉट प्लस फोर ओ वन प्लस ओ टू, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को फाइनली मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं कह दूं, ठीक है, कि आप लोगों को ये जो एरिया निकला है ये मेरे एक सेगमेंट का आप लोगों ने एरिया निकाला है, सच सिमिलर सेगमेंट्स अगर आप लोगों के पास चलते रहेंगे और आप लोग सबको प्लस करा देंगे, ठीक है, देन एरिया ऑफ ऑल सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ ऑल सेगमेंट का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास डी बाई थ्री ब्रैकेट ओ नॉट प्लस ओ एन फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस फोर एंड सारे जितने भी आप लोगों के पास ऑड ऑर्डिनेट्स आएंगे ओ वन ओ थ्री, ठीक है, ओ फाइव अप टू ओ एन माइनस वन, ठीक है, प्लस जितने भी टू और जितने भी आप लोगों के इवन ऑर्डिनेट आएंगे ओ टू ओ फोर, ठीक है, ओ सिक्स अप टू ओ एन माइनस टू। तो इस ये जो फॉर्मूला आता है ये मेरा क्या है यूनिवर्सल फॉर्मूला जो मैं इसमें काम में लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है वो अपन लोगों को क्या करना है, ध्यान देने वाली बात अपने पास ये है, दिस फॉर्मूला आई कैन से दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी हैव ऑड नंबर ऑफ आई कैन से ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। अगर बात करें कि ऑड ऑर्डिनेट्स नहीं है अपने पास उस केस में अपन लोग क्या करेंगे, तो उस केस में अपन लोग अगर इवन ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो उसमें से एक ऑर्डिनेट का एरिया अपन अलग कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी बचे हुए ऑड ऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले जो बचे हैं उसमें अपन लोग ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। बहुत सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली तभी लगा पाएंगे जब आप लोगों के पास ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो। इवन हो तो एक ऑर्डिनेट का अलग निकालें, बाकी सबके लिए आप लोग इसको रख दें, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के जो है एरिया को निकालने में काम आती है, ठीक है। तो जो कल की जो मेरी क्लास होगी उसमें अपन लोग वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम को अपन लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने आप लोगों को बताए रिजर्वर कैपेसिटी वगैरह के उनको भी डिस्कस अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन क्लासेस से जुड़े रहें, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया है आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज सिविल बाई नितेश, ठीक है। आप लोग सिविल बाई नितेश आप लोग टेलीग्राम पर जाएं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहां पर। और अगर आप लोग अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं
तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज नितेश 10 NITESH10। आप लोगों को 10% जो है आप लोगों को इस पे ऑफ मिलेगा। कोड अगर आप लोग मेरा लगाते हैं तो वो एक तरीके से सपोर्ट होता है। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और भी जो आप लोगों के फ्रेंड्स हों उनको भी आप लोग इस चैनल के थ्रू जोड़ें। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। जो हम लोगों का टेलीग्राम जो है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है आप लोग उससे जुड़ें। ये एक ऐसा है जहां पर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है, ठीक है। तो आप लोग इससे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों के किसी भी तरीके कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पर पूछ लें। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो में आप लोग कमेंट करें, और आप लोगों मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। जो अभी जो मैं स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों के अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर मैं सर्वेइंग से जुड़े जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो गेट में आने वाले क्वेश्चंस हो, ईएस में आने वाले क्वेश्चंस हो, चाहे मैं कह दूं आप लोगों के जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे स्टेट एग्जाम्स वगैरह, वो सारे वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वहां पर लाइव प्रेजेंट रहें, अपना पोलिंग ओपिनियन दें, और देखते हैं कि आप लोगों को सर्वेइंग कितनी आती है और आप आने वाले एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म आप लोग वहां पर कर पाते हैं। तो जो मेरी स्पेशल क्लास होगी उसका भी मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स जो मेरा चैनल है उस पर देता रहता हूं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है जो अपना, वहां पर भी आप लोगों को उस पर अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग मेरी स्पेशल क्लास में भी आ सकते हैं। थैंक यू।